एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रवण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्मिक योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। महापर्व पर्युषण का पहला दिवस आप सबके लिए मंगलकारी हो। आपके भीतर अध्यात्म ज्योति जगे। आपके जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व का अंधकार टूट जाए। आप अपने जीवन के लक्ष्य को तय करें। किस लिए मैं आया हूँ यहाँ, क्या लेकर के आया था, क्या लेकर के जाऊँगा, इसकी शोध, इसकी खोज आज से आप प्रारंभ कर दें। महापर्व परिवेशन का प्रथम दिवस आपके तमस को, आपके अंधकार को प्रकाशमय बना दे। आज का विषय है आत्मदृष्टि का पर्व पर्युषण। आत्मदृष्टि, मिथ्या दृष्टि, पर्व क्या है और पर्युषण क्या है, इस पर हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे। आत्मार्थी, आत्मदृष्टि का मतलब आत्मार्थी। आत्मार्थी देह को महत्व देता ही नहीं। यदि आप आत्मार्थी है, आप देह को महत्व नहीं देंगे और वो देह को तपाता है, कर्म क्षय करने के लिए देह को तपाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के तप करता है, 12 प्रकार के तप से वो गुजरता है, अंतिम ध्यान कौशक से गुजरता है। इसके विपरीत मिथ्यात्वी देह से मोह करता है, उसका लक्ष्य देह की सुरक्षा है। जन्मों जन्मों से हमने सब कुछ किया, धर्म भी किया, कर्मकांड भी किया, तप भी किया, साधु भी बने, श्रावक भी बने, परंतु हमारा देह के प्रति मोह नहीं छूटा। जब तक देह के प्रति आकर्षण है, मोह है, देह की सुरक्षा है, हम आत्मार्थी नहीं हो सकते। पहला लक्षण है कि देह के प्रति जो तुम्हारी आकर्षण है, देखिए आप 24 घंटे में हम किसके लिए कार्य करते, धन कमाते हैं किसके लिए, परिवार चलाते हैं किसके लिए, भोजन बनाते हैं किसके लिए, संबंध बनाते हैं किसके लिए, तो सारा जो हमारा लक्ष्य देह के लिए है, देह की सुरक्षा, उसको बीमारी ना आए, उसको दुख ना आए, उसका अपमान ना हो जाए, उसका सम्मान रहे, सारा हम देह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरा जीवन लगा। मिथ्याती धर्म भी करता है पर कहीं कहीं इच्छा कामना रहती है, मेरे परिवार को समृद्धि मिले, मेरा कारोबार ठीक चल जाए, मुझे कोई रोग ना आए, सारे संबंध अच्छे, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा कामना वासना देह के प्रति है, वो मिथ्या दृष्टि है। वो कितना ही धर्म कर ले वो आगे नहीं बढ़ सकता, देह के लिए वो आत्मा को गौण कर देता है, मिथ्यात्वी। अब आप जीवन में देखिए, क्या आप आत्मा को गौण कर रहे हैं या देह को गौण कर रहे हैं, स्वयं अपना निरीक्षण करेंगे इस 8 दिनों के अंदर। आत्मार्थी को कैसा भी कर्म, कैसी भी परिस्थिति, वो कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है कि कर्म मैंने किया, आज दुख आया है तो मेरे कर्म से आया है, आज सुख आया है मेरे पुण्य कर्म से आया है, आज मैं स्वस्थ हूँ अपने कर्म से हूँ, आज मैं रुग्ण हूँ अपने कर्म से हूँ, आज घर में कोई वियोग हो गया, कोई चला गया
कर्म के कारण चला गया, किसी का जन्म हो गया, किसी का मरण हो गया, तो उदय कर्म से हुआ है, इसमें किसी को वो दोष नहीं देता। आत्मार्थी, उसके जीवन में कोई भय नहीं आता, रोग शोक नहीं आता, आए हुए कर्मों को स्वीकार करता है और मिथ्यात्वी कर्मों को स्वीकार नहीं करता। दोष किस पर देता है? दूसरों पर देता है, परिवार पर, संघ पर, समाज पर, पत्नी पर, बेटे पर, अपने कमाए हुए धन पर वो करता है। तो ये मिथ्यात्वी और संकति में, आत्मार्थी में अंतर है। और आप निरीक्षण कीजिए कि आपकी दृष्टि, आपका ममत्व किसके प्रति है? परिवार के प्रति, देह के प्रति, मन के प्रति, बुद्धि के प्रति, धारणा के प्रति, परंपरा के प्रति? यदि उसमें आपका आकर्षण है तो आप अभी आत्मार्थी नहीं हो पाए। आत्मार्थी अपने मन को, बुद्धि को, धारणा को, परंपरा को, संग को, देह को महत्व नहीं देता। वो केवल 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 आत्मा के लिए करता है कार्य। तो इस 8 दिनों के अंदर हम केवल चर्चा नहीं करेंगे, हम उस ओर जाने का आगे प्रयास कर, आप कुछ भी करो, लक्ष्य आत्मा का, दान करो आत्मा का लक्ष्य करके, शील का पालन, तप, शुद्ध भाव, आत्म भाव, आत्मरमण, भोजन भी करो, जीव और अजीव का बोध, शरीर भोजन करता है, मैं आत्मा दृष्टा, मैं बोल रहा हूं, शरीर से बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, भगवान की वाणी, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कोई अहंकार नहीं, मैं बोल रहा हूं। मुझे अवसर दिया आप लोगों ने बोलने का, मुझे अवसर दिया चतुर्मास में आप लोगों ने बुलाया हमें, संघ का, आप सबका हम अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, संघ को नमन करते हैं, आपकी भावनाओं को कदर करते हैं। और जो कुछ भी मैं कहूंगा वो मेरा नहीं, परमात्मा का है। आत्मार्थी हमेशा आत्मा का लक्ष्य करके कार्य करते हैं। कुछ भी करो, आपकी मन का पोषण नहीं होना चाहिए, आपकी बुद्धि का निर्णय बीच में आना नहीं चाहिए, आपके विचार, आपकी परंपरा, आपकी धारणा, मेरी विचार, मेरी परंपरा, मैं स्थानकवासी, कट्टर स्थानकवासी, मैं कट्टर, आत्मार्थी कभी ऐसा नहीं करता। उसको केवल आत्मा, आत्मा मूल तत्व है, आत्मा मूल तत्व है, सिद्धालय उसका शाश्वत घर है, ये आप अपने अंतःकरण में संभालें। आत्मा मूल तत्व है, सिद्धालय शाश्वत घर है, अंतकृत रूपी पाथेय को प्राप्त कर, अंतकृत रूपी पाथेय को प्राप्त कर, प्रत्येक भव्य आत्मा अपने शाश्वत घर को लौट जाए, हम अपना घर सिद्धालय प्राप्त कर ले। यही महापर परिषद की आप सबके लिए मंगल मैत्री और मंगल कामना है। आत्म दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का अंतर आपने जाना। पर्युषण 8 दिन विशेष महत्व है, आपको जिनवाणी श्रवण करने का अवसर मिलेगा। अंतगर सूत्र, जिन भव्य आत्माओं ने, 90 आत्माओं ने अंतिम श्वास प्रश्वास के साथ सब कर्मों का अंत करके परमात्म पद को प्राप्त कर लिया, उन्हें अंतिम रसा, अंतिम अवस्था, अंतिम श्वासोश्वास में वो कार्य सिद्ध कर लिया, वो तुम वाचना सुनोगे मुनि जी के द्वारा, हो सकता है आज आप संकल्प कर लो। उसमें 90 आत्माओं का वर्णन है, इसमें 57 पुरुष है, 57 पुरुष और 33 नारियां हैं। प्रत्येक साधक के नाम से एक एक अध्ययन है। इस अध्ययन में आगम में 8 वर्ग हैं। इसमें श्रुत आराधना, तप आराधना और ध्यान साधना का अनूठा त्रिवेणी संगम है। शेर सुदर्शन हो या अर्जुन, महावीर के समोसरण में समान रूप से
प्रतिष्ठित हैं। अतिमुक्त जैसे अल्प आयु बालक को भी तीर्थंकर महावीर सम्मान रूप से आदर करते हैं, धर्म का तत्व समझाते हैं, नरेश श्रेणी को समझाते हैं। उसी भाव से तीर्थंकर भगवान अतिमुक्त बालक को भी वही संदेश देते हैं, अर्जुन माली को वही संदेश देते हैं, सुदर्शन को वही संदेश देते हैं। कोई भेदभाव नहीं, समान रूप से प्रभु की वाणी बरसती है। और वही वाणी जो चौथे काल से चली आ रही है वो आप तक और मुझ तक पहुंची है। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें धर्म मिला, महावीर का धर्म मिला, महावीर के सूत्र मिले, महावीर की साधना मिली। ये महापर्व पर्युषण तीर्थंकर भगवंतों के समय से चला आ रहा है। अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर भगवान भी पर्व पर्युषण की आराधना करते हैं, आज वो करते हैं, हम कैसे ना करें। पर्युषण परि उपसर्ग उस धातु से अन्न प्रत्यय लगा करके बना है। पर्युषण जो चारों तरफ से आपके भीतर जो जन्म जन्म से क्षाये क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ईर्ष्या कलह को जला दे, भस्मीभूत कर दे, आत्मा को शुद्ध कर दे, निर्मल कर दे, पवित्र कर दे, इसलिए पर्युषण की आराधना की जाती है। और जैसे आपका भाव बढ़ेगा वैसे ही आपके कर्मों की निगरानी होगी। पर्युषण अब पर्व क्या है? पर्व ये महापर्व है। पर्व पर्व का अर्थ क्या होता है? उत्साह, उमंग, अहोभाव, कृतज्ञता, परिपूर्णता से भर दिया आपको एक उत्साह, एक प्रेम। आपके अंग अंग कन कन रोए रोए में रोशनी भर दे, जैसे सूरज उदय होता है। सूर्य उदय होने से पहले ही आकाश में लालिमा छा जाती है, लाली छा जाती है। अमावस की अंधेरी रात का अंधेरा चला जाता है, सूरज कुछ भी नहीं करता, वो केवल अपनी एक किरण पृथ्वी पर फेंकता है, चारों ओर चहल पहल हो जाती है। पक्षी अपने घोंसले छोड़ करके आकाश की ओर विहार करते हैं, धरती सोई हुई धरती जागृत हो जाती है, नृत्य करने लग जाती है, पक्षी चहचहाने लग जाते हैं, कोयल कूदती है, चिड़िया चहचहाती है, मोर नाचता है, और सूरज की रोशनी वृक्ष के छोर छोर में बहती है। एक उत्सव, एक आनंद, एक उल्लास का वातावरण। उगते उस सूरज को जरा देखो ही आप, अपने घर के ऊपर उगता हुआ सूरज, लालिमा से भरा हुआ सूरज आपके भीतर सूरज पैदा कर देता है। कभी निहारा है आपने खुली आंखों से उगता हुआ सूरज? आंखें बंद करके देखना, वो सूरज लगता है आपके भीतर प्रवेश कर गया है, लालिमा आपके भीतर आ गई, आप सूरज में हो गए हो। आपके अंग अंग कन कन रोए रोए से सूरज की रोशनी झर रही है। चंद्रमा की चांदनी में आप कभी अपनी छत के ऊपर लेटे हो और केवल चंद्रमा को देखो, कुछ करना नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई आराधना नहीं, मात्र आत्म दृष्टि से देखो और जानो, कुछ नहीं करना। लगेगा वो चंद्रमा की चांदनी, पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी आपके भीतर प्रवेश कर रही है। यदि आप
अंतःकरण से उस चंद्रमा को निहारोगे और चंद्रमा आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। कभी अनुभव किया है आपने? किया है? नहीं किया तो करके देखना। उगते सूरज को देखना और देखना सूरज आपके भीतर आया कि नहीं आया। पूर्णिमा की चंद्रमा को देखना, देखना सूरज आया कि नहीं आया। किसी सागर के किनारे आप खड़े हो जाते हैं, सागर की लहरों को देखते हैं, लहरें उठ रही हैं और जा रही हैं, केवल आप देखते हैं। किसी नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, सागर के किनारे, केवल देखो और जानो, कुछ नहीं करना। आत्मा का स्वभाव केवल देखना और जानना है। आत्मा अक्रिय है, आत्मा कुछ नहीं करती, ये करता है शरीर, मन, वचन, काया, बुद्धि, संस्कार, धारणा, इसी से कर्मों का बंधन होता है। आत्मा में कर्मों की निर्जरा होती है। ये अनूठा मार्ग, महावीर का मार्ग, वीतराग मार्ग, धर्म का मार्ग, राज मार्ग है। केवल जानो और देखो। सरोवर के किनारे खड़े होकर के आप देखो, लगता है वो लहरें जो समुद्र में उठ रही हैं आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। किसी बगीचे में जाकर के आप किसी फूलों को देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं, गुलाब के हैं, गेंदे के हैं, जूहे के हैं, कमल के हैं, फूलों को देखते हैं, दूर से देखते, कुछ नहीं करते, लगता है वो गुलाब, वो कमल आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। कभी आम के बगीचे में जाकर के आप कुछ नहीं करते, वो आम का पेड़, भरा पेड़, लदा हुआ आम से लदा हुआ है, आप नीचे बैठे, वो आम की सुगंध आपकी नासा फूटों में आ जाती है। आती है कि नहीं आती? ये तो आपने अनुभव किया होगा। आम खाया नहीं, आम हाथ में लिया, केवल सूंघा, उसकी सुगंधी, उसका रस आपकी नासिका में आता है कि नहीं आता? वो रस, वो स्वाद खाने में नहीं है, जो केवल मात्र दृष्टा में है, वो भोग परिभोग में नहीं है, मात्र दृष्टा में। ये पर्व हमें सौंदर्य से भर देता है। वो सौंदर्य प्रकृति का सौंदर्य, जब प्रकृति खिलती है, धरती हरिमय हो जाती है, फूलों से लज जाती है, पक्षी चहचहाते हैं, चिड़िया चहकती है, कोयल कूजती है, मोर नाचते हैं, और आपका भी मन करता है मैं भी नाचूं। नाच लेना, प्रकृति के साथ एक संग हो जाना, उस त्यौहार को मना लेना, उसके भाव में आ जाना, बह जाना, ये महापर्व पर्युषण प्रकृति की ओर ले जा रहा है। यू गो टू द नेचर, यू आर ब्लेस्ड बाय द नेचर, लव बाय द नेचर, अंडरस्टैंड बाय नेचर, गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर टू द नेचर। वर्ड्सवर्थ ने कहा था, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेन एंड सून गेटिंग एंड स्पेंड, वी ले वेस्ट अवर पावर्स, द लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। वर्ड्सवर्थ बहुत बड़े प्रकृति के कवि हुए हैं आंग्ल भाषा के अंदर, जैसे यहाँ हमारे कवि कालिदास हुए, भभूति हुए, ऐसे वर्ड्सवर्थ पश्चिम जगत में बहुत बड़े प्रकृति के कवि हुए। उसने कहा कि दुनिया, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी लिव इज अवर अवर्स, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स। सुबह उठते हैं, जागते हैं, मोबाइल देखते हैं, आईना देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बात करते हैं, कितना कचरा भर लेते हैं, सारी व्यर्थ की बातें भर लेते हैं। जो खाली करके अपने भीतर प्रकृति को निहारो, प्रकृति को देखो और जानो, प्रकृति सारी सुगंध सारी आपके भीतर भर देती है। तो ये पर्व प्रकृति के पास, प्रकृति यानी क्या,
तुम्हारा अपना स्वभाव, तुम्हारा होना, तुम्हारा बीइंग, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा खिल जाना, डूइंग नहीं बीइंग, उसमें बह जाना, प्रकृति में हो जाओ, ये पर्व उल्लास से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। तुम आओ उल्लास उमंग, चाहे आप तप करके आओ, चाहे आप दान करके आओ, चाहे कुछ भी करो, एक उमंग, एक उल्लास, एक नृत्य, एक रोमांच आपकी कन कन रोए रोए में भर जाना चाहिए। महापर्व पर्युषण जी हमें और आप सबको एक शिक्षा देता है, जैसे कोई मुमुक्षु आत्मा जब दीक्षा लेता है, परिवार को ठुकरा देता है, माता पिता को ठुकरा देता है, और वो आनंद से भर जाता है, हर्ष से भरता है, और सभी लोग उसकी अनुमोदना करते हैं, वो दीक्षित होता है, कुछ उसके पास नहीं होता, सब ठुकराया होता है, धन संपत्ति परिवार कुछ नहीं, अपने कपड़े भी बदल करके साधु का विष दे लेता है, और नमोलोए सब साहुनंग के पद पर अधिष्ठित हो जाता है, और मुमुक्षा भाव से वो धर्म की आराधना शुरू कर देता है, और वो विनम्रता से, सरलता से, ऋजुता से, आत्मभाव से वो मुमुक्षु साधक बन करके नमोलोए सब साहुनंग के पद पर अधिष्ठित होता है, तो शासन देव उनकी रक्षा करते, शासन देव प्रभावना करते, हमारे यहाँ आता है धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तब देवा वित्तंग नमंग संति जस धम्मे से आमन, धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, अहिंसा संयम और तप के पथ पर वो मुमुक्षु जीव अग्रसर होता है, तो देवता भी नमन करते हैं, उसका हृदय भीतर संयम में अनुग्रहित हो जाए। संयम केवल साधु का में नहीं, आपका भी संयम है, आप श्रावक हैं, श्राविका हैं, महावीर के तीर्थ में है आप, ये तीर्थ, तीर्थ को छोटा बड़ा नहीं होता, ये चार पाए बराबर होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, तीर्थ में आपकी क्या भावना है, उस भावना से आप सिद्धालय को प्राप्त कर सकते, तीर्थ महत्वपूर्ण है, आप महावीर के तीर्थ में हैं, इसलिए आज के दिन हमें समझना है, जानना है, इस पर्व के समय हम कुछ त्याग करेंगे। हे गे उपाधि त्रिपदी है, जानना, छोड़ देना और ग्रहण कर लेना। ग्रहण क्या करना है, क्या ग्रहण करना है, छोड़ना क्या है और प्राप्त क्या करना है, नौ तत्व में आते हैं ना, हे ये ग्रहण करने योग्य क्या है, जानने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, हम छोड़ेंगे, क्या छोड़ेंगे, जो जन्मों जन्मों से हम आर्त रुद्र ध्यान कर रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मुझे उसने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, जो राग और द्वेष की छोटी छोटी बातों में हम अटक जाते हैं, आर्त रोद्र ध्यान, रोना, चिल्लाना, झगड़ा करना, शिकायत करना, छोटी छोटी बातों पे उपलाम देना, क्या करेंगे इसका, आर्त रोद्र ध्यान का त्याग कर देंगे, और प्रवेश क्या करेंगे, धर्म और शुक्ल ध्यान की ओर जाएंगे, धर्म से शुक्ल ध्यान की। आप जिन वाणी सुन रहे हो, आप धर्म ध्यान में आ गए, और जब आप ध्यान करेंगे, गहरे जाएंगे, तो धर्म से आप शुक्ल ध्यान की ओर आएंगे। तो आपने छोड़ना क्या, आर्त रोदर शिकवा शिकायत उपलाम नहीं करेंगे, निंदा विकथा नहीं करेंगे,
कोई कुछ भी कह दे, देह को कहा है, मुझको नहीं कहा। आपका सम्मान होगा, अपमान होगा, देह का सम्मान होगा, देह का अपमान होगा, मेरा सम्मान नहीं, मेरा अपमान नहीं। मैं आत्मा, आत्मा शब्द नहीं है, आत्मा आपका अस्तित्व है। इस आत्मा को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा, 32 सूत्र समझ में आ जाएंगे। आप ऑपरेशन करते हो, आत्मा को भूल जाते हो कि याद रखते हो? आत्मा को याद रख के ऑपरेशन करते हो, उस मरीज में भी आत्मा, उसमें भी परमात्मा और मुझ में भी परमात्मा। फिर आप क्या कहते हो? प्रभु जैसे तो मरीज, हम तो निमित्त मात्र, हम तो निमित्त मात्र हैं। इस भाव से यदि आप कार्य करते हो तो आपके कर्म की निर्जरा होती है। आत्मा शब्द नहीं, हर कार्य में आत्मा को लाओ। भोजन बनाओ, आत्मदृष्टि से बनाओ। भोजन खिलाओ, आत्मदृष्टि से। दान दो, आत्मदृष्टि से दो। जैसे अभी मुनि जी ने कहा कि यदि मेरे पॉकेट मनी से किसी साधु साध्वी की, आपका कोई नाम नहीं आएगा, आपका कोई चर्चा नहीं आएगी, कोई साधु कहाँ बीमार है, वो आपकी दी हुई राशि किसी को लग जाए, आपको पता नहीं। जैसे आप ब्लड देते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, आपको क्या पता आपकी खून की बूंद किसके जीवन की रक्षा कर दे। आप आंखें दान करते हैं और आपकी आंख चली गई, आप मरणोपरांत दान कर दिया। मैं चाहूंगा हर श्रावक श्राविका मरणोपरांत अपनी आंख दान कर दे। आपकी आंख से दो ज्योति मिल सकती है दो प्राणियों को, तो कितना बड़ा लाभ हो गया। और 6 घंटे तक वो आंख सक्रिय रहती है। ऐसे बहुत से काम आप कर सकते हो, इस देह से कितनी रक्षा कर सकते हो। तो आपके द्वारा दिया गया, आत्मदृष्टि से देना, कुछ भी देना आत्मदृष्टि से देना, आपका मंगल ही होगा, कल्याण ही होगा। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने वर्षी दान दिया, 1,08,00,000 सोने की मुद्रा प्रतिदिन देते थे, 1 वर्ष तक देते रहे। और भगवान महावीर आखिर सब छोड़ गए, 1 लंगोटी भी नहीं रखी, 1 धागा भी नहीं रखा, चले गए नगर, सब छोड़ गए। किसके लिए? आत्म कल्याण के लिए, मोह कर्म जो था उसको तोड़ने के लिए महावीर जंगल में चले गए। कोई सुरक्षा नहीं मांगी, इंद्र भी पास में आता है, मैं रक्षा करना चाहता हूँ, भस्म ग्रह आ रहा है। भगवान ने कहा, इंद्र मैंने कर्म किए हैं, मुझे भुगतान कर लेने दो, बीच में क्यों बाधा डालते। ऐसे थे भगवान। आज हमारे जीवन में, आपके परिवार में कोई संकट आ जाता है, कोई रोग आ जाता है, घबराना मत, हमने कोई कर्म किया है उसका भुगतान देना होगा। किसी ज्योतिषी के चक्कर में, किसी मंत्र तंत्र में, काल सर्प योग में कोई आने की जरूरत नहीं। ये महावीर का धर्म, वीतराग धर्म, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, वो कर्म टल जाएगा, निकल जाएगा। कर्म मैंने ही बोए हैं और आपने ही बोए हैं, अच्छा अवसर है, वो निकल जाने दीजिए। तो कुछ भी कर्म, आत्मदृष्टि और मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि देह के लिए करता है, देह का सम्मान हो, मेरा रोग ठीक हो जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरा कारोबार बढ़ जाए, इसलिए दान मत देना। आत्मदृष्टि से देना कि किसी का भला हो जाए, बस आपका भला होगा। आपके मन में भाव ही आ गया, आपके कर्मों की निर्जरा शुरू हो गई। चल माने चलिए भगवान का मार्ग, आपके मन में भाव आ गया कि मुझे ये कार्य करना है, तो आपके कर्मों की निर्जरा शुरू हो जाती है। उत्तम भाव से करना, कुछ भी करना। तो हमने छोड़ना है, 8 रुद्र ध्यान को छोड़ना है, और क्या करना है, धर्म से शुक्ल ध्यान की ओर आना है। शुक्ल ध्यान के लिए आपको शिविर करना ही पड़ेंगे। देखो भावना होती है अंदर की, इनका प्रोफेशन कितना वैल्यूएबल होता है। पेशेंट आते हैं, जन्म मरण की बात होती है, फिर भी समय निकाल लेते। आप समय निकालो, अपने लिए निकालो। हमने शिविर 2 दिन के रखे, 4 दिन के, 7 दिन के, और
साधन किसी पर भी रखे, आप सभी उसमें लाभ लीजिए। आप लाभ लोगे, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। और क्या करना है, 18 पाप स्थानक आप जानते हैं, प्रणातिपात मिश्रावाद तदान मैथन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कला व्यकन पेशन परिपरिवर्त माया मिथ्या दर्शन चल। 18 पाप स्थानकों का क्या करेंगे, त्याग करेंगे, जूते नहीं पहनेंगे, नंगे पांव चल के आएंगे, जूते पहनेंगे तो गाड़ी में रख देना, आपकी कोई जरूरत ही नहीं, पहन के देखो, नंगे पांव चल के देखो, परीक्षा कैसे संतों को आता है। भीतर में संयम और संतोष धारण करेंगे, भूख लगेगी कोई बड़ी बात नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, प्यास लगेगी हम पानी नहीं पिएंगे, ऐसा संयम रखो। बहनें बैठी हैं जो मास कमन केयर कर रही हैं, 15 कर रही हैं, 18 कर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप संयम रखेंगे, भीतर से संयम और संतोष धारण करेंगे, आजीवन तक लाइफ टाइम क्या करोगे, लाइफ टाइम क्या करोगे, आत्म श्रद्धा भरा जीवन जिएंगे। लाइफ टाइम क्या करोगे, श्रद्धा खरीदनी नहीं, पैसों से मिलती नहीं, डॉलर से खरीदी नहीं जाती, पाउंड से बिकती नहीं, भीतर ही है। जीवन भर आत्म श्रद्धा, मैं आत्मा था, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा रहूंगा। समझ में आई, आत्मा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आत्मा में है। ये भीतर आपकी श्रद्धा भाव लाना, यदि आत्मा पर अटल श्रद्धा हो गई आपकी तो क्या कहां जाओगे, कहां जाओगे, सीधा ले जाओगे, और साथ में पराक्रम करोगे। ऐसा नहीं श्रद्धा कर ली परमात्मा ऊपर ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। श्रद्धा परमदुल्ला संजमिमय वीरियम, चार बातें बताई थी, चत्तारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो मानु सत्संग सुई श्रद्धा संजमिमय वीरियम। और क्या करोगे, और क्या करोगे, एक चीज और करोगे, बोलो क्या करोगे, आत्मा के 8 गुणों का पोषण करेंगे। नहीं समझ भाई बात, आत्मा के 8 गुणों का पोषण करेंगे, अवसर है 8 दिनों में, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत शक्ति क्षय समक्त अटल वगाना मूर्त बनाया गुरु लघु। आत्मा ना हल्की है ना भारी है, ना खाती है ना पीती है, ना जन्म है ना मरण है ना मृत्यु, कुछ आत्मा को चाहिए नहीं। मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न परिपूर्ण, 8 गुणों को पोषण करना है, तुम्हारे भीतर है 8 गुण पर इसका पोषण करना है। तो महापरिपूर्ण, ये मैंने आपकी एक भूमिका के रूप में चर्चा की। आज आत्मदृष्टि, दृष्टि बदलनी है आन दिनों में, मिथ्यात्व से संकित किया आना, असत्य से सत्य किया आना, अंधकार से प्रकाश की ओर आना है और मिथ्यात्व से संकित किया ओर आना है। दृष्टि बदलोगे सृष्टि बदल जाएगी। कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया हूं अब तक अपने पाप पुण्य का लेखा। चिंतन करो, विचार, जिनवानी महत्वपूर्ण है। एक राजा ने बहुत युद्ध लड़े एक हाथी, पुराने जमाने में हाथी हुआ करते थे, हाथी घोड़ों से युद्ध हुआ करते थे। तो राजा ने युद्ध लड़े, एक हाथी बहुत राजा को प्रिय था, बहुत युद्ध लड़े उसने। हाथी वृद्ध हो गया, अब युद्ध लड़ नहीं सकता था। एक बार वो हाथी पानी पीने के लिए सरोवर में चला गया, सरोवर में दलदल थी, फंस गया, भारी शरीर था, वृद्ध हो गया था, वो निकल नहीं रहा था। तो उसके लिए क्या करना, राजा ने बहुतों को लगाया उसको बाहर खींचने के लिए, वो बाहर नहीं आया, खींचन में फंस गया, भारी था, युद्ध लड़े थे, राजा को बेहद प्रिय था वो। तो राजा ने किसी पुराने महावत से परामर्श किया, क्या करना चाहिए, अक्सर जब तुम्हें कोई जीवन में संकट आ जाए तो किससे सलाह करनी,
अपने माता पिता से, दादा दादी से पूछना, वो समस्या का समाधान कर देंगी, क्योंकि उनका अपना अनुभव होता है, वो ज़रूर आपका अनुभव सॉल्व कर देंगे। तो राजा ने पुराने महाबत से पूछा क्या करना चाहिए। महाबत ने राजा को सलाह दी, किसने बहुत युद्ध लड़े हैं तो क्या करो, युद्ध की भेरी बजा दो, युद्ध की भेरी बजा दो। जब युद्ध की भेरी बजेगी तो उसमें जोश आ जाएगा तो निकल जाएगा। जब आप क्रोध में होते हैं कितनी शक्ति आ जाती है, आप दीवार तोड़ देते हो, आप जंगला तोड़ देते हो, आप दीवार भी तोड़ देते, शक्ति आ जाती है। तो राजा ने ऐसे किया, जब वो नहीं आया, युद्ध की भेरी बजी, उस हाथी को जोश आके वो बाहर निकल गया। ये तो कहानी है, पर अब आपके सामने कौन सी भेरी बजेगी, बोलो भाई कौन सी भेरी। जिन वाणी, भगवान की वाणी की भेरी, वो शक्ति है भगवान की वाणी के अंदर, श्रुत ज्ञान के अंदर, शास्त्र स्वाध्याय के अंदर, कि आपके जन्मों के कर्म क्षय हो सकते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, मृत्यु माँ अमृतगम्य, असतो माँ सतगम्य। हे लॉर्ड, ओ लॉर्ड लीक मी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, ओ लॉर्ड लीक मी फ्रॉम इमोर्टैलिटी टू इमोर्टैलिटी। तो ये जिन वाणी पर श्रद्धा रखना, भगवान की वाणी है, हमारी वाणी नहीं, त्रिलोकीनाथ की वाणी है, केवल ज्ञान की वाणी है, श्रद्धा रखना। और आज आपको समझ में नहीं आ रही, जैसे युवाचार्य जी ने फरमाया था जमीकंद के बारे में, आज के भी बहुत वैज्ञानिक मानते हैं तमस, जो जमीकंद जमीन के अंदर होती है वो अनंत काय जीव होती है, जो भगवान ने कहा। उसके मूली है, गाजर है, आलू है, लहसुन है, प्याज है, जो कुछ भी शकरकंद है, ये जिमीकंद है, बहुत प्रकार की जिमीकंद है, इसको त्याग कर देना चाहिए, अनंत काय जीव है, अंकुरित भोजन नहीं करना चाहिए, जितनी रखनी है दो चार रख लो, बाकी त्याग कर दो। हम आपको बताएंगे कितना इसमें भगवान की वाणी का इसका गहरा इफेक्ट होता है। तो इन जिमीकंद का भी त्याग, जो अंदर अंधेरे में रहती और अंधेरे में बढ़ते रहते हैं जीव, अनंत काय जीव हो जाते, एक आलू के अंदर, मूली के अंदर, शकरकंद के अंदर अनंत अनंत जीव पैदा हो जाते। एक ट्रक भिंडी का और एक आलू, किस में जीव ज्यादा? एक ट्रक भिंडी और एक आलू का, आलू में ज्यादा जीव, भिंडी में कम। विचार करना, चिंतन करना, जो युवाचार्य जी ने कहा था, मैं इसको सपोर्ट किया है, कि जमीन में जैसे आप ऊपर फल खाते हैं, केला है, संतरा है, अंगूर है, कुछ भी फल है, धन धाने हैं, गेहूं है, ऊपर होता है, उसमें सूरज की रोशनी लगती है, चंद्रमा की चांदनी लगती है, हवा लगती है, वर्षा आती है, अंधेरी आती है, तूफान आते, वो पक्का बीज पक जाता है, उसको तो कुछ असर ही नहीं होता, जमीन के अंदर दबी हुई है, अंधकार तमस, और वो तमस पैदा करती। आलू कोई खाना अच्छी बात नहीं है, वो जीरो उसमें शक्ति है, जीरो, विज्ञान ने सिद्ध किया है। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, चित्त के विकार कहाँ है, मन के विकार हमारे ऊपर आते हैं, मन पर है। इट इज माइंड दैट मेक्स वन वाइज और इग्नोरेंट, bound or emancipated, one is holy because of his mind, another is wicked because of his mind, one is holy because of his mind. ये मन है, मन के विचार आपको विकृत करते हैं और मन के विचार आपको शुद्ध करते हैं। आपका मन करता है कि घूमने जाएं, पर दूसरा मन कहता है नहीं, 8 दिन तो हम कहीं नहीं जाएंगे, प्रवचन सुनेंगे, मंगल महामंत्र का पाठ करेंगे, तप करेंगे, तो दूसरे मन ने उस पर हावी हो करके आपको रास्ता बता दिया। दो मित्र की चर्चा है, दो मित्र आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे पर जीवन की छाप डाल रहे थे। एक मित्र ने कहा, मैं हर रोज 5 बजे उठता हूँ। कितने बजे? 5 बजे। दूसरा मित्र कहता है, 5 बजे को उठने का समय है, मैं 3 बजे उठता हूँ,
ऋषि मुनि 3 बजे उठते हैं, सवेरे उठ करके वो स्नान करते हैं, व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर मैं उठ करके प्रार्थना करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, दफ्तर जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, घर आने के बाद बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर मैं ध्यान करता हूँ, फिर मैं घर का काम करता हूँ, फिर ठीक 9 बजे सो जाता हूँ। पहला मित्र सुनकर के बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, बड़ा भावीपुर हो गया, मित्र ये कब से ऐसा कर रहे हो 3 बजे उठ करके? उसने कहा, वो बोला, ये मत पूछो, ये अभी शुरू करने का इरादा है, प्लानिंग चल रही है, ये अभी शुरू करने का इरादा है, शुरू किया नहीं, प्लानिंग चल रही। तो आपके मन में भाव उठता होगा 3 बजे उठ करके कार्यक्रम करने पर मन दबा देता है, ये प्लानिंग चलती, प्लानिंग नहीं करना, अपने भाव को बनाना। भगवान महावीर की वाणी क्या कहती है, असंख्यम जीविये मापमाए जरो वनीय सिहु नथितानाम एवं व्याना ही जाने पमते कंकिनु इंसा आने आगे हंती। ये जीवन असंख्यम जीविये मापमाए जरो वनीय सिहु नथितानाम एवं व्याना ही जनों पमत्तो कन्नु विहिंसा अज्ञान्ति। ये जीवन संस्कार रहता है, प्रमाद मत करो, बुढ़ापे में, बुढ़ापे के समीप आने पर कोई रक्षा करने वाला नहीं। इस बात को समझते हुए ये मत सोचो जो जीव प्रमादी हैं, हिंसक हैं, इंद्रियों के वशीभूत हैं, कौन शरण करेगा, रक्षा करेगा, कोई रक्षा करने वाला नहीं। जीवन को आप समझो, जीवन की व्यथा को समझो, बहुत सुंदर जीवन मिला है, इसके बारे में आप ध्यान रखो। समय जा रहा है, भगवान की वाणी कहती है, जरा जावना पीली जब वाही जावना वड्डी जाविंदिया न हंता ताव धम्मंग समय आ रही। जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होता, जब तक आधी व्याधि नहीं आती, ताव धम्मंग समय आ रही, तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। आप जो अपने स्थान पर हैं, जो भी आपका स्थान है, आप चाहे श्रावक हैं, श्राविका हैं, हम साधु हैं, हम अपने स्थान पर रहें, मतलब हम अपनी मर्यादा पर रखें। यदि हम अपनी मर्यादा का भंग करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, और यदि मर्यादा पालन करते तो हम ऊंचे जाएंगे। हम मनुष्य हैं, मनुष्य की स्थान को छोड़ करके हमें माया की तो नीचे जाएंगे, यदि हमने विनीतता धर्म का पालन किया तो हम ऊपर जाएंगे। इसलिए जो जो आपका स्थान है उस स्थान पर आप जुड़ सकते हैं, ऐसे स्थान का त्याग करो जो आपको आर्त और रौद्र ध्यान में लेके जाता है, उसका संग नहीं करना। अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को महत्व ना दे करके आत्मा को महत्व देना, आत्मा में जुड़ना, ध्यान करेंगे आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए, तुम केवल 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 आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक शुद्ध आत्मा के संचरण का, आत्म प्रदेशों के विचार का अनुभव कीजिए। प्रत्येक देह में एक समान आत्मा अपने शुद्ध शाश्वत स्वरूप को समझो। अपने स्वभाव का चिंतन करते हुए शांत शून्य अक्रिय अवस्था को प्राप्त कीजिए। निराकार में, निज में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए। भीतर अनंत सुख का प्रवाह बह रहा है। मन कितना भी क्रियाशील क्यों ना हो, आप आत्मा अक्रिय हैं, मन आपको विभाव में ले जाएगा, आप स्वभाव में रहेंगे। जो मन का दृष्टा हुआ
वो तीन लोकों का दृष्टा हो गया। अपने भीतर मंगल मैत्री का भाव लाएं, अंग अंग में, कन कन में, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में प्रेम और मैत्री का भाव। अंग अंग बहती रहे मैत्री ब्रह्म विहार, अंग अंग बहती ब्रह्म विहार, मैत्री सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार, मैत्री शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उज्जयानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तब देवावितंग नमंग संति जसु धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली फणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली फणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, ओ सदा ही मंगल होगा।